बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर पुलिस ने दो ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल ने एक अफगानी समेत दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ स्पेशल सेल ने 260 बोरियां पकड़ी हैं, जिनमें 130 किलो हेरोइन थी, जिसे बरामद कर लिया गया है। अफगानिस्तान से ईरान के रास्ते ये हेरोइन लाई गई। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ऐसे तीन लोगों को गिरफ्तार किया है जो हेरोइन की तस्करी किया करते थे। दो बोरियां पकड़ी हैं, जिसमें करीब 130 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई है। अफगानिस्तान से ईरान के रास्ते ये हेरोइन लाई गई और दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को लगातार इस तरीके से अभियान चलाकर दिल्ली पुलिस को एक के बाद एक इस तरीके से कामयाबी हाथ लगती जा रही है। और एक और बड़ी कामयाबी, जिसमें 260 बोरियां पकड़ी गई हैं, 130 किलो हेरोइन बरामद हुई है। दिवांशु मल्होत्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। दिवांशु, एक और यहां पर सफलता दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कह सकते हैं, लगातार सफलता के जो आयाम है बढ़ते जा रहे हैं दिल्ली पुलिस के। देखिए बिल्कुल सपना, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी खेप हेरोइन की पकड़ी है नवी मुंबई से। दरअसल स्पेशल सेल को ये जानकारी मिली थी कि एक कंटेनर में इस तरीके की जो हेरोइन की सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, उसको ले जाया जा रहा है। जिसके बाद स्पेशल सेल ने पिकेट लगाकर एक कंटेनर को सबसे पहले इंटरसेप्ट किया और उसके बाद वहां से करीब 260 बोरियां पकड़ी गई। और उसके अंदर जब देखा गया तो दिल्ली पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि करीब 130 किलो हेरोइन के जो बीज होते हैं वो बरामद किए। और उसके बाद जो जो ड्रग तस्कर पकड़े गए, उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान से ईरान के रास्ते जो है ये हिंदुस्तान लाई गई थी, समुद्र के रास्ते ये हेरोइन हिंदुस्तान लाई गई थी। बहरहाल इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और जाहिर सी बात है कि पिछले 8 दिनों की बात करें तो स्पेशल सेल ने जो है करीब 1300 करोड़ रुपए से ऊपर की हेरोइन अब तक पकड़ ली है, क्योंकि एक स्पेशल सेल जो है एक स्पेशल ऑपरेशन चला रहा है और तमाम जितने इनपुट्स होते हैं उस पर काम किया जा रहा है। और यही वजह है कि 8 दिन के अंदर 1300 करोड़ रुपए से ऊपर की हेरोइन स्पेशल सेल ने पकड़ ली है। जी दिवांशु, लगातार इस तरीके से गिरफ्तारी हो रही है, पकड़ा जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से। क्या इनकी तरफ से और कोई अभी इंफॉर्मेशन दी गई है, यहीं पर रुक जाएगा ये तस्करी का धंधा, या आगे भी और ऐसी खेप पकड़ी जाएंगी, या कहीं और से लाई जा रही है? क्योंकि एक बार अगर कोई इसी पूरे से पकड़ लिया जाता है तो कहीं ना कहीं सुराग मिलता है पुलिस को भी। देखिए सपना, ड्रग तस्करी का धंधा पिछले 3-4 सालों की बात करें तो काफी बढ़ गया है हिंदुस्तान में। अलग अलग जगह से और अलग अलग तरीके से है वो ड्रग्स को लाया जा रहा है और यहाँ पर कहीं ना कहीं सप्लाई किया जाता है। और जो जो खेप जो पुलिस पकड़ती है वो कहीं ना कहीं बहुत मामूली खेप होती है पूरे, अगर हम इस पूरे नेटवर्क की बात करें। क्योंकि पिछले दिनों भी हमने देखा जब स्पेशल सेल ने करीब 600 करोड़ की 150 किलो बोरी में जो केमिकल है उसको डुबोते थे और उसको सुखा के जो है। और लगातार हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।